अच्छा डालो। हे गाइस वेलकम बैक, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। क्या कर रहे चिंटी? कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स स्टार्ट। हे गाइस वेरी गुड इवनिंग, लेट्स डू इट। So today we are focusing on capital structure. आपने कल के प्रीवियस लेक्चर में ये सब कुछ देखा था, रिमेंबर इट। आज दोस्तों हमें इसके सारे क्वेश्चन और आंसर को देखना है। हमने उसमें से भी कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी कल किए थे, डोंट यू रिमेंबर इट? और जैसे ही खत्म हो जाएगा उसके बाद में हम लोग रेशियो सब करेंगे। आज सभी की जो टेस्ट है वो संडे को होगी। संडे को जितने भी चैप्टर्स हमारे हो जाएंगे उन सब के ऊपर टेस्ट होगी। आज कौन सा डे है? थर्सडे है। यानी कि हमारे जो रेशो और कैपिटल वेटिंग बचा हुआ है। और दोस्तों जो लोग अभी इसको यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, हम आपका लेवरेज और कौन सा चैप्टर है डिविडेंड डिसीजन सब कुछ खत्म करेंगे। जस्ट स्टे ट्यून, रोज ये लेक्चर आपको देखते रहना, बस बैक टू बैक। आने वाले 3 से 4 दिन में हम लोग पूरी तरह से एफएम को रिवाइज कर चुके होंगे। नहीं, मैं वो ऑनलाइन वालों की बात कर रहा हूं। जहां तक कि इस यहां तक का सवाल है, आज हम लोग रेशो से शुरुआत कर देंगे इसके बाद, और उसके बाद में हम लोग करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, कैपिटल बजटिंग। सब करा देंगे। आ जाओ बच्चों। अरे चलो भाई, ओ हो, क्या हुआ? शिवराज, आई एम मूविंग ऑन। क्या आप इस चैप्टर के कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? 5, 6, 7? वो में नहीं, आई थिंक हमने काफी क्वेश्चन कर लिए, 7 कर लिए था ना, 7 वॉज लेफ्ट। कम ऑन गाइस, यहां से करेंगे शुरुआत। आप सभी का, दोस्त वो वॉचिंग मी हियर, सभी का वेलकम। और अब लोग जाएंगे हे लाइव स्ट्रीमिंग, वेलकम बैक। कर दिया ना? अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसका जैसा मन है। हे गाइस वेलकम बैक। मित्रों, ये कह रहे सर आपने वो कौन सा चैप्टर हुआ था कल? कैपिटल स्ट्रक्चर का मैंने आपको भेजा नहीं क्या? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का भेजा था। आता अभी सीख लिया मैंने कैपिटल। आपको कौन सा पीडीएफ मैंने नहीं भेजा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं भेजा ना? आज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के भी भेजवा देंगे और कैपिटल स्ट्रक्चर दोनों बैक टू बैक। अभी हाँ, लेट्स स्टार्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, आर यू रेडी? कोई बात नहीं, आपको डबल लिखना तो लिख सकते हैं, नहीं लिखो तो नहीं लिख सकते। पीएनआर पी एक्सआर लिमिटेड, कम ऑन गाइस वेलकम बैक। दोस्तों आप सभी जानते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में हम लोग, देखते कितने लोग जवाब दे पाएंगे। पीएनआर पी एक्सआर लिमिटेड आर आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट एक्सेप्ट फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी कि पीएनआर पी एक्सआर का दोनों का क्या सेम है? सब कुछ सेम है, कंपनी एक जैसी है, सिर्फ क्या फर्क है? उनका डेट इक्विटी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। PNR Limited does not employ debt. Oh, PNR के पास में डेट नहीं है, यानी कि पूरी तरह से वो इक्विटी है। Whereas PXR Limited के पास में जो अडानी जैसी कंपनी जिसके पास में डेट भी है, PXR जो है डेट और इक्विटी दोनों लेकर चल रही है। यानी कि दोस्तों PXR अडानी जिसके मतलब क्या लिवर्ड कंपनी है,
और एक अनलिमिटेड जिसका नाम है पी एन आर. द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन, दोनों का इनकम कितना, इनकम टैक्स 30%, ईबीआईटी 5 लाख, यानी कि तीन कॉलम बनेंगे, पर्टिकुलर्स ईबीआईटी ईबीआईटी 5 लाख 5 लाख. द कैपिटल इक्विटेशन रेशियो, यानी कि इनका के ई है, किसका के ई हो, पी एन आर का. पी एन आर जो है जिसकी वजह से पूरी की तरह से इक्विटी है, तो उसका जो के ई है वही उसका के ओ है दोस्तों, 20% है. ऑल अजम्पशंस ऑफ मोदी मिलेंगे, अप्रोचेस आर मेट, वैल्यू ऑफ द कंपनी आप बताएंगे दोस्तों. एक की वैल्यू आपने निकाली तो आपको दूसरे की वैल्यू मिलेगी, बिकॉज एमएम अप्रोच में दोनों कंपनी का वैल्यू सेम होता है अगर टैक्स ना हो तो. पर टैक्स जब होता है तो लिवर्ड कंपनी बिकम्स अनलिवर्ड प्लस टैक्स सेविंग, तो आप बताएंगे दोस्तों लिवर्ड कौन सी है इसमें, पीएक्स सर, तो पीएक्स आर इज इक्वल टू पीएनआर प्लस टैक्स सेविंग. ए गाइस कम ऑन, तो आप बताएंगे दोस्तों पीएनआर का वैल्यूएशन कितना है, वो कैसे निकाला आपने, सोच के बताइए, सोच के. वही तो इसको बोल रहा हूं, कुछ अलग ही बोल रहा. क्या आप मुझे पीएनआर का वैल्यू बताएंगे जल्दी से, कैलसी पे लेके, ये कुछ अलग ही बोल रहा था. कुछ लोगों ने मुझे कहा सर एक काम करो इसका ईबीआईटी को डिवाइड कर दो 20% से, पर ये जवाब सही नहीं है, बिकॉज यहां पे आपका 5 लाख में से टैक्स जाएगा, यानी कि 30% टैक्स जाएगा आपके हाथ में बचेगा 3.5 लाख. 3.5 लाख को डिवाइड करो 20% से, यानी कि पीएनआर इस कंपनी की वैल्यूएशन है 17.5 लाख. 17,50,000 इज द वैल्यू ऑफ वो कंपनी जो लिवर्ड है कि अनलिवर्ड है, अनलिवर्ड है, तो लीवर की वैल्यूएशन 17.5 लाख तो होगी होगी, प्लस टैक्स सेव भी होगा. अरे उसने कितना डेट लिया हुआ है, 20 लाख को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो 30% से, यानी कि जो 20 लाख पूरा डेट है उसको 30% से मल्टीप्लाई करो जो टैक्स है, यानी कि वो आएगा 6 लाख, यानी कि 17.5 लाख प्लस 6 लाख, यानी कि 23,50,000 वैल्यू ऑफ लीवर्ड कंपनी. एवरीवन, अब आगे बात कर लेंगे. हाँ दोस्तों, चलो चलो भाई, रुकना नहीं है, वैक वैक करेंगे दोस्तों. जो 20% जो है पीएनआर, वॉल्यूम थोड़ा कम कर दे भाई, सॉरी यार डिस्टर्ब हो गया दोस्तों. जो पीएनआर जो है, पीएनआर का अभी ठीक है, अभी अगर और है तो थोड़ा बोल देना, शिवराज सुन उसके पास देखना बस, जैसा घनश्याम बोलेगा वैसे होना चाहिए दोस्तों. यहां पे वैक वैक करेंगे साथ में मिलके दोस्तों, बताएंगे पीएनआर का वैक कितना होगा, जिसके उसके पास में तो पूरा के ईयर के 20%, तो उसका के ओ भी 20% होगा. तो दोस्तों मुझे लगता है पीएनआर का के ओ 20% है, बोलो सही क्या, और के ओ को ही वैक हम लोग बोलते हैं, बिकॉज उसके पास में डेट तो है नहीं, उसकी इक्विटी है, और इक्विटी 20%, इसका उसका वैक वैक भी 20%. अब बात करेंगे पीएक्सआर की, पीएक्सआर का वैक कैसे निकालेंगे, सोर्स अमाउंट रेट वेट याद है कि नहीं, और एक काम करेंगे दोस्तों हम लोग दूसरे तरीके, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे बोलो, हम ऐसा भी कर सकते के ओ इज इक्वल टू के डी, के डी का वेट प्लस के ई का वेट, ऐसा भी कर सकते हैं. क्या आप मुझे बता सकते हैं नए कंपनी के अंदर डेट और इक्विटी का प्रोपोर्शन क्या है, पूरी मिला की वैल्यू कितनी, 23,50,000 पूरी वैल्यूशन है, 23,50,000 डेट कितना है, 20 लाख, और इक्विटी कितना होगा, 3.5 लाख. तो आपको दोनों का अमाउंट मिल गया, तो सोर्स भी मिल गया, अमाउंट भी मिल गया, वेट तो मिल ही जाएगा, और के डी कितना, के डी, के डी कितना है, के डी, केडी है 12% ब्रैकेट में 1-t, अरे लोनर है 1-t 12% का, यानी कि होगा 17%, 8.4 केडी, और के ही तो ऑलरेडी गिवन है, नहीं नहीं के ही गिवन नहीं है, के निकालना पड़ेगा इसका सर, इसका ईबीआईटी यानी कि इसका भी ईबीआईटी, इसका के ही कितना है, इसका 5 लाख में से माइनस करना पड़ेगा टैक्स, सॉरी इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा पहले, तो भैया इसका के ही अलग आएगा, जो लिवर्ड कंपनी है उसका के डी निकालने के लिए आपको उसका वो के ई निकालने के लिए आपको उसका होगा नंबर पैड करना पड़ेगा. तो ईबीआईटी कितना है इसका, 5 लाख, माइनस करो इसका इंटरेस्ट कितना आएगा, यानी कि 20 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे आप कितने से रहे, यानी कि 2,40,000, तो 2,40,000 माइनस हो गया, तो कितना 260 बचा, माइनस को तो 30% टैक्स, 260 माइनस 30%, और 182 अपॉन कर दो आप 3.5 लाख, तो वो आएगा आपका 52%, देख लीजिएगा
इसी तरह से आपका आएगा 52% के, 52% के। और दोस्तों वैक वैक कैसे करेंगे? सोर्स करेंगे, अमाउंट करेंगे, वेट करेंगे, रेट करेंगे, वैक करेंगे। सोर्स में आएगा डेट इक्विटी, अमाउंट आएगा 20 लाख, 3.5 लाख, वेट तो आप निकाल ही लोगे, केडी आपको दिया हुआ है 8.4 समथिंग लाइक दैट, अभी के ई 52% है और आप वैक निकाल लोगे। एवरीबॉडी गाइस कम ऑन, इसको मुझे तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, स्टार मार्क कर दो, ये क्वेश्चन कर लेना चाहिए एक बार एग्जामिनेशन जाने से पहले। क्वेश्चन नंबर 8 गाइस, रेस लिमिटेड, मैं देखो मैं रुकेगा नहीं, सभी लोग मेरे साथ में, एवरीवन कम ऑन कम ऑन। देखो ऐसे लाइव स्ट्रीमिंग से कितने लगातार लोग जवाब दे रहे हैं, सुपर, क्या पढ़ाई करते हैं लोग सब। नहीं ऐसा मैंने थोड़ी ना बोला, आप लोग नहीं पढ़ रहे, अरे वो लोग का फोकस ज्यादा हो रहा है आजकल। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, 8 करेंगे, 8 करेंगे। दोस्तों दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, सिर्फ मुझे ये लिंक शेयर करने दीजिएगा बस, और ये लिंक मैं और एक जगह पे शेयर कर देता हूं, एक मिनट। चलो चलो बोलो, अरे मैं कहां पे हूं, एवरीबॉडी वेलकम बैक, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8, आर यू रेडी नाउ कम ऑन। रेस लिमिटेड इज एन ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी, पूरी तरह से इक्विटी है, 100% इक्विटी, 100% इक्विटी, मार्केट वैल्यू 25 लाख, एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी के, आप बताओ बच्चों फिर कितना कर रहे हो पैट? हाँ 25 लाख पे 21%, हाँ क्या कर रहे हो, 5,25,000 उनका पैड है पैड। द कंपनी वॉन्ट्स टू बाई बैक इक्विटी शेयर्स वर्थ ऑफ 5 लाख बाई इशूइंग एंड रेजिंग 15% डेट, यानी कि कंपनी 5 लाख का इक्विटी कम करना चाहती है, और उसके कहां से लाएंगे पैसे, यानी कंपनी जो अनलिवर्ड थे बनेंगे अब लिवर्ड, यानी कि पहले वैल्यूशन थी 25 लाख, अब बनेंगी ज्यादा, लिवर्ड इज इक्वल टू अनलिवर्ड प्लस टैक्स है, अब पहले अनलिवर्ड की वैल्यूशन थी 25 लाख, प्लस करेंगे 5 लाख का कितना रखा, 30%, यानी कि 26.5 लाख हो जाएगी वैल्यूएशन। बोलो बोलो सही बोल रहा हूं मैं, वैल्यूएशन ऑफ न्यू कंपनी, वैल्यूएशन 26.5 लाख, 26.5 लाख, अरे दिख रहा ही नहीं इसमें 26.5 लाख, तो आना ही चाहिए, देखो आगे 26.5 लाख, द वैल्यू आफ्टर यू टेक द डेट 26,50,000, 26,50, कम ऑन गाइस। मेरी स्पीड ज्यादा हो रही क्या, मैं रुक सकता हूं, शुड आई गो स्लो, और कम करे जैसा भी आप बोलेंगे, मैं आधा लेट जाऊंगा यहां पे, ठीक है। ओके दोस्तों अभी देखते हैं इस क्वेश्चन में, जहां पे लीवर था और जहां पे अनलीवर था, कंपनी का अनलीवर की वैल्यूएशन उन्होंने खुद ने लिखी है, वो है 25 लाख, बराबर है, लीवर्ड इज इक्वल टू अनलीवर्ड प्लस, तो अनलीवर्ड की वैल्यूएशन कितनी है, 25 लाख रुपए दिया हुआ है, लीवर्ड में क्या होगा, उसकी वैल्यूएशन कुछ बढ़ेगी, उतनी बढ़ेगी जितने की टैक्स सेविंग होती है, टैक्स सेविंग कितना हो रहा है, यानी दोस्तों जितना 5 लाख है, याद रखना दो तरीके से हम लोग टैक्स सेविंग निकालते हैं, एक तरीके से हम लोग एक काम करेंगे उसका इंटरेस्ट निकालेंगे, और जो इंटरेस्ट निकाल के हम उसका टैक्स सेव निकाल सकते हैं, और उनको सबको ऐसे ऐसे करेंगे, पर अगर आपको वो नहीं करना, आपको मॉड्यूल जैसा बहुत आसानी से करना है, टैक्स से निकालने का बेस्ट तरीका, जितना डेट होगा माइनस मल्टीप्लाई बाय टैक्स कर दो, तो अपन जो टाइम पास करके निकालते हैं उसका भी आंसर वही चाहता, ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया, तो मैं आपको एग्जामिनेशन में टाइम सेव कराना चाहता हूं। टाइम कैसे सेव होगा, डायरेक्ट जो डेट की अमाउंट है मल्टीप्लाई कर दो, तो डेट की अमाउंट कितनी है 5 लाख, और 30% लगा दे तो 1.5 लाख हो गया, तो आपकी टोटल वैल्यू कितनी है 26,50,000, आगे बढ़ेंगे। After the capital restructuring and applying MM model, you are required to calculate. हो गया ये? Cost of equity KE बोला है। बच्चों KE कितना है? KE तो already 21% दिया है, पर एक इसका unlevered का दिया हुआ है। अब एक काम करेंगे दोस्तों, वैसा कर लो। इसका वो यानी कि उसका वो। आपको पता है इसका जो पैड होगा उसका ही पैड होगा, बिकॉज कंपनी तो सेम ही है। बताओ पैड कितना है? 525 एडबैक, उसके अंदर टैक्स भी लिखा हुआ है, तो बीबीडी मिल जाएगा, और पीबीटी ही उसका ईबीआईटी है, बिकॉज इंटरेस्ट तो है नहीं। बाप रे बाप, क्या क्या बोल रहा हूं मैं,
मैं बहुत भारी बोल रहा हूं, जो आपको समझ रहा नहीं इधर स्क्रीन पे देख लीजिएगा, जिसको नहीं समझ रहा स्क्रीन पे देखते रहना। क्या हुआ है ना, अनलिवर्ड कंपनी जब थी तो उनका 525 उनका वो था, क्या था, पैट था, बिकॉज 21% 25 लाख लिखा था। अब उसकी वजह से हम लोग टैक्स को एयरबैक कर देंगे, वो था 30%, यानी कि 525 डिवाइड बाय 70% करेंगे तो आपका PBT मिलेगा, वो आएगा 7.5 लाख। और उनका इंटरेस्ट तो है नहीं बिकॉज कंपनी अनलिवर्ड है, अब वो आ जाएगा कितना, 7.5 लाख। यानी कि 7.5 लाख जब अनलिवर्ड का था, कंपनी तो सेम ही, लिवर का भी EBIT वही रहेगा, पर EBIT जब 7.5 लाख होगा तो उसका इंटरेस्ट भी होगा, बिकॉज लिवर में इंटरेस्ट भी मिलता, तो वो कितना इंटरेस्ट बताइए, 75,000, 5 लाख का 15%, 75,00,000, अब 7,50,000 का 75,000, यानी कि 6,75,000, व्हाट इज द 675? यह है आपका PBT माइनस करेंगे टैक्स, 4,72,000। एक बात बताओ, ये क्यों किया हमने? अरे यही तो पैसा है इधर के इक्विटी वाले को मिलेगा। अब इसका के ही निकालने के लिए हम लोग करेंगे 4,72,500 अपॉन इक्विटी की वैल्यू। बोलो बच्चों, नया इक्विटी का नया टोटल वैल्यू कितना है, 26.5 लाख, उसमें से डेट कितना है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है, 21.5 लाख, यानी कि 4,72,500 डिवाइडेड बाय 21,50,000। देख लीजिएगा यहां पे लिखा हुआ है। आप बोलेंगे अनलिवर्ड का पैट और लिवर्ड का पैट सेम क्यों नहीं, बिकॉज दोनों के अंदर डेट अलग अलग टाइप के है, एक में डेट जीरो, एक में डेट बहुत कुछ है। अरे बोल दो ना भाई, नहीं अब आगे बोलना ही पड़ेगा आपको। बोलो मैं क्या बोल रहा हूं, अभी दोस्तों इसका के ही निकाल दिया, अब और क्या पूछा उन्होंने। अरे भाई 26.5 लाख में से कितना है डेट, 5 लाख, 21.5 लाख क्या हुआ है, इक्विटी। तो सोर्स कैसा आएगा, सोर्स इक्वल टू इक्विटी एंड डेट, देखो ऐसे ही आएगा आपका, देख लो एक बार, बोलो ऐसे ही आएगा। हाँ बोलो, डेट कितना, 5 लाख, इक्विटी 21,50,000, आपने अभी के ही ढूंढा, के ही कितना है, 21.98। हाँ आप बताओ केडी कितना आएगा, ये 15 था ना, 15, तो 15 का 1 माइनस t के तो 10.5 होता, तो 10.5 इसको, 21.98 इसको, अब ये करके बैक बैक होता, आंसर और। एक बात पूछूं मैं आपसे, ऐसा क्यों नहीं हुआ, आप बोलो ना ऐसा क्यों नहीं हुआ, ईबीआईटी अपॉन टोटल, ईबीआईटी को डायरेक्टली हमने उससे डिवाइड क्यों नहीं किया, ईबीआईटी अपॉन डेट प्लस इक्विटी, ये तभी फॉर्मूला कामयाब होता है केओ के लिए जब कंपनी में टैक्स नहीं होता। आपको कल ये बताया भी था मैंने, इफ यू डोंट रिमेंबर प्लीज डू रिमेंबर, सही पकड़े हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर कंपनी में टैक्स ही नहीं होगा तो आप ईबीआईटी अपॉन डी प्लस ई कर दो, आपका अपने आप केओ निकल के बाहर आएगा। इस क्वेश्चन में जाहिर सी बात ऐसा हो नहीं सकता था, क्योंकि इस क्वेश्चन में टैक्स दिया था, और टैक्स जब देते हैं ना दोस्तों, तो अब आपको ऐसे करना पड़ता है, सोर्स अमाउंट वेट रेट वैक, या फिर आप केओ केडी, केडी का वेट, केई केई का वेट, ऐसे करना पड़ता है। हो गया क्या, आपने जो क्वेश्चन नंबर 8 किया, क्या आपको वहां लगा कुछ चीजें आपको दिमाग में रखने लायक थी? बोलो कौन सी बात, आप नीचे से गए, आप इधर से उधर आए थे, ऐसे आप ऐसा जाके ऐसा आए, आपको इधर का पैट मालूम था, इधर के पैट पे गए, आपने इधर से टैक्स एड बैक किया, आपको पीबीटी मिला, इंटरेस्ट जीरो था, आपका ये ईबीआईटी हो गया, और इसका ईबीआईटी, इसका ईबीआईटी बन गया, इसका इंटरेस्ट माइनस किया, इसका टैक्स माइनस किया, आपको पैट मिला, और यही पैट ने आपको दिलाया केई। बोलो कैसे दिला था पैट केई, आप क्या करते हैं इस पैट का, इस पैट को करते हैं हम लोग पैड अपॉन के इज इक्वल टू व्हाट, नहीं नहीं पैड अपॉन क्या, वैल्यू इक्विटी, ये दिला था आपको के।
दोस्तों केई हमने ऐसा निकाला, याद रखना रेफर कौन सा क्वेश्चन है। रेफर क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों एक बात पूछूंगी आपसे, लीवर्ड इज इक्वल टू, आपने लिखा ना लीवर्ड इज इक्वल टू अनलीवर्ड, ये ऐसा ऑलरेडी हो गया हमारा। एक काम कर लेते, टैक्स सेव के बारे में लिख लेता हूं। हाँ नहीं बोल दो, कुछ भी बोलो। टैक्स सेव को निकालने के दो तरीके हैं, बोलो कैसे निकालते टैक्स सेव। रेफर क्वेश्चन नंबर 8, बोलो क्या किया आपने। 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट कितना था वो 30%, ये हो रहा 1.5 लाख। 1.5 लाख बोलो सही है ना, 1.5 लाख नहीं बोलना, बोलना ही पड़ेगा। दोस्तों आप बताओ इसी को करने के लिए आपको ये 1.5 लाख, मैं आपको करके बताऊं क्या और एक तरीके से इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। मेथड नंबर 2 से इसका इंटरेस्ट बताइए, 15% इंटरेस्ट, यानी कि होगा 75,000। और 75,000 का आप जब पीएनएल में डेबिट डालते हो तो आपको 75,000 पे कितना टैक्स से होएगा मल्टीप्लाइड में कितना करूं, 22,500। आप कहेंगे 22,500 है तो वही 1.5 लाख कैसे हो गया, आपका हर साल का टैक्स से हुआ 22,500, 22,500, 22,500, 22,500 परपेचुअल आपके से हो रहे परपेचुअल। इसलिए दोस्तों आपको करना पड़ेगा, अब इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाने के लिए आपको इसको डिवाइड बाय उसको उसके रेट से कितना है अपना 15 क्या है डिस्काउंटिंग फैक्टर आपका है, तो ये 22,500 के आपका हर साल का है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअल सेविंग ऑफ इज इक्वल टू 22,500 अपॉन कितना आया देख लीजिए, मैचिंग कर दिया मैंने। आप मैं तो बोलता हूं ये राइट साइड वाले मेथड को आपने सिर्फ महसूस करने के लिए रखना चाहिए, काम तो लेफ्ट राइट वाली से देखने के लिए, लेफ्ट वाली से एक्चुअल में काम होना चाहिए। लेफ्ट में जो अमाउंट है डायरेक्ट टैक्स सेव कर दो आपका आंसर हो रहा है। ये मत कर देना गलती से 5 लाख का इंटरेस्ट निकाल के, ऐसा मत करना 75,000 का 30% वो सिर्फ आपका एक साल का निकलेगा। हाँ चलो आगे बढ़ जाए, बोलो इजाजत है मंजूर है, क्या मेरी स्पीड अप मैच हो रही है आपसे, क्या और भी होले होले जाऊं, नहीं बोल दीजिए आप मैं एकदम बिल्कुल लेट जाऊंगा यहां। क्या आपको अच्छा लगा ऐसे लेट जाऊं मैं, व्हाट हा आई डोंट लाइक सच परफॉर्मेंसेस। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 करण अर्जुन, दोस्तों इस क्वेश्चन में दोस्तों एमएमए अप्रोच में आप सभी जानते हैं इन द लॉन्ग रन चाहे डेट इक्विटी स्ट्रक्चर कुछ भी हो जाए आपके दोनों कंपनी का वैल्यू सेम हो जाता है, ध्यान है आपका जो मैं कह रहा हूं। दोस्तों नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने 90,000 1,50,000, ये क्या है आपका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। मार्केट प्राइस पर शेयर कितनी है 1.21, दोनों कंपनी ऊपर लिखी है सेम रिस्क है, सबसे ऊपर लिखा दोनों कंपनी का सेम रिस्क है। 6% डिबेंचर इधर ओ, यानी कि करण जो है लिवर्ड है, करण लिवर्ड, अर्जुन जो है वो करण जो है, ये करण जोर दिख रहा है मुझे दोस्तों, करण जो है वो लिवर्ड है और अर्जुन जो है वो अनलिवर्ड है। पीबीटी पीबी क्या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ओनली, क्योंकि यहां पे कोई टैक्स नहीं लग रहा है मुझे, तो दोस्तों इधर 18,000 इधर भी 18,000 है। बताओ दोस्तों आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आप जैसे लोग करण को बेच के अर्जुन क्यों लेना चाहेंगे। बिकॉज मित्रों करण जो है, करण जो है बोलो जल्दी से,
आप जैसे लोग जो है वो करण को बेच देंगे, अर्जुन को लेंगे, बिकॉज दोनों कंपनी एक जैसी है। तो एक रुपए 20 पैसे में बेच के 1 रुपए लेंगे, 20 पैसा जो खाएंगे उसका नाम आर्बिट्राज होएगा। दिस इज नथिंग बट आर्बिट्राज। इधर का बेच दो उधर ले लो। तो दोस्तों क्या हुआ, एक जैसी चीज है, वो 1 रुपए 20 पैसे वाली भी वैसी थी और 1 रुपए वाली भी वैसी है। तो 1 20 वाले को बेच के 1 20 लेंगे, 1 देंगे, 20 पैसे अपना हो जाएगा। इसी को कहते हैं आर्बिट्राज। ओके, देयर आर नो टैक्सेस। भीम इज एन इन्वेस्टर होल्डिंग 10% स्टेक इन करण लिमिटेड। व्हाट इज द बेनिफिट एंड लॉस टू हिम? ये तो आपको नंबर वाइज भी याद हो गया होगा। दोस्तों बताओ बच्चों, करण वाला जो है, करण में आपका कितना स्टेक था? 10%। आप बताओ इसमें से कितना क्या करोगे, आप कितना पैसा मिलेगा उसको? नहीं नहीं नहीं, पूरा 10% बेच दिया। तो अब ये जो 10% बेच रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो, आप कुछ भी बोल रहे हो। आप बताओ बेच के कितना पैसा मिलेगा आपको? 10,800 कैसे मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, 10,800 16,800 कैसे निकाला? पूरी कंपनी का जो है ना, इसका जो है यानी कि 90,000 को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1,08,000। उसका भी 10% उसका ही होगा और डेट का भी 10% उसका होगा। यानी कि कंपनी को पूरा कितना लगा, यानी कि पूरा मिला के कंपनी के वैल्यूएशन थी 1,68,000। उसका 10% बेचेगा तो 16,800 हो जाएगा। देखो उसका 10% स्टेक है डेट में भी और इक्विटी में भी है, तो 16,800 उसको हाथ में आ गए। पर दोस्तों 16,800 लेके क्या आप मुझे बताओ नए कंपनी में उसको कितना स्टेक मिलेगा? 16,800 को अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या आप मुझे बताओगे उसके कितने मिलेंगे उसको? यानी कि 16,800 शेयर्स मिलेंगे और उधर की क्वांटिटी कितनी? 1.5 लाख। भाई इधर के 16,800 में ये वाली कंपनी को कितने शेयर मिलेंगे? कंपनी का 1.5 लाख शेयर है 100% से। अब 1.5 लाख 100% के लिए हमारे पास कितने? 16,800। तो 16,800 डिवाइडेड बाय 1.5 लाख करो ना, आपको मिलेंगे 11.2%। यानी कि जो करण में 10% का स्टेक होल्डर हो करता था, आज उतने ही पैसे में इधर उसको 11.2% मिल रहा है। नहीं नहीं, पैसा नहीं बदला, पैसा उतना ही चाहे। उसी 16,800 में कंपनी बदलने से जो 10% का स्टेक था, अब वो 11.2% हो गया। कहां पे जाके? अर्जुन में जाके। अब आगे बोल दो, क्या आपको लगता है इस उधर जाने की वजह से उसको प्रॉफिट में भी ज्यादा फायदा हुआ होगा? बताओ उसने क्या पा लिया? 18,000 का 11.2% कर दो, उसको नए कंपनी में जाने से 2016 का उसको डिविडेंड मिलेगा। पर अगर वो पुरानी वाली में होता तो उसको 1800 मिलते, 18,000 का 10%, यानी कि उसको 1800 मिलते। यहां पे उसको 2016 मिल रहा है, यहां पे तो प्रॉफिट इज 216, यानी कि अब 216 जो यहां पे क्वेश्चन में लिखा है, हाँ, व्हाट इज द बेनिफिट? 216 का फायदा हुआ इसको बेच के उसको लेने से। नई वाले में 2016 मिले, पुरानी वाले में 1800 मिल सकते थे, यानी कि 216 मिला एक्स्ट्रा। अब बात करेंगे नई वाले से दो फायदे हुए उसके। एक तो उसको 1.2% स्टेक ज्यादा मिल गया, 216 तो इस साल का डिविडेंड ज्यादा, इसलिए तो पुरानी वाली को छोड़ के नई वाली के पास गया वो। इफ ही स्विचेस हिज होल्डिंग व्हेन दिस आर्बिट्राज विल बी ओवर? बताओ ऐसा कब खत्म होगा? लोग ऐसे बहुत सारे लोग करण को बेचेंगे 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 बेचेंगे, अर्जुन को लेंगे 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 लेंगे, अर्जुन ऊपर ऊपर जाएगा, करण नीचे 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 जाएगा और ऐसे ऐसे हो जाएगा। एक समय आएगा दोनों का वैल्यूएशन ऐसे ऐसे हो जाएगा। ओके, आई थिंक ये हो गया क्वेश्चन हमारा। ओके, जीटा लिमिटेड, कम ऑन गाइस, वेलकम बैक। जीटा लिमिटेड प्रेजेंटली फाइनेंस एंटायरली बाय, बोला एंटायर किससे बाय कर? आपका ध्यान है नहीं है?
बोलो क्या लिखा है यहां पे? ये जो पूरा के पूरा कंपनी लीवर्ड है कि अनलीवर्ड है? अभी तो फिलहाल तो अनलीवर्ड नजर आ रहा है मुझे। द करंट मार्केट वैल्यू इज 6 लाख, यानी कि अनलीवर्ड की वैल्यू 6 लाख है। अ डिविडेंड ऑफ 1,20,000 हैज जस्ट बीन पेड, यानी कि इन्होंने 1,20,000। ओह गाइस, क्या बोल रहे हैं? 20% के ही हो गया। 6 लाख पे 1,20,000 मिला, यानी कि आपका के हो गया 20%, के 20%, और वही उसका के ओ भी हो गया। क्या बात है, क्या नॉलेज पाया है। दिस लेवल ऑफ डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट द नेट कैश रिसीट ऑफ 1,05,000 पर एनम। द प्रोजेक्ट वुड बी फाइनेंस बाय, ओ ये जो लाइन है थोड़ी सी आपको पहले पढ़ना पड़ेगी, वो लास्ट में आप जानते हो मैंने लिखवा के दिया था। 5 लाख रुपए का डिबेंचर, 5 लाख रुपए और आपने लिए जो डिबेंचर से लिए, उस केस में आपको 1,05,000 का फायदा हुआ। आपने कंपनी में 5 लाख क्या लगा दिए, आपके कंपनी का प्रॉफिट जो है 1,05,000 से बढ़ गया। यू इन्वेस्टेड हाउ मच? 5 लाख मोर। यू आर गेटिंग मोर प्रॉफिट ऑफ 1,05,000। इग्नोरिंग टैक्स कंसिडरेशन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, देन द गेन मेड बाय द शेयर होल्डर इज द कॉस्ट ऑफ द इक्विटी शेयर्स रजिस्टर्ड। ओके नाउ, अब दोस्तों सर क्या हो रहा है ये? दोस्तों आप सभी जानते हैं क्वेश्चन में क्या चल रहा है। क्वेश्चन में यही चल रहा है, पहले लीवर था कि अनलीवर था, अब क्या बन रहा है वो। सो दोस्तों अभी उनको क्या चाहिए, बोलते टैक्स नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी, यानी कि के ही चाहिए। के ही तो पुरानी वाली का निकल गया, वो कितना था? तो आप बताओ ये नीचे से ऊपर जा सकते हैं थोड़ा सा? कैसे जाएंगे? तो आप पहले क्या हो रहा, देखो यहां पे उसका आंसर ए देख लीजिए भाई, ये आ गया, देख लीजिए क्या हो रहा है यहां पे। पहले आपका कितना ईबीआईडी था? 1 लाख कितना है? 1,00,000। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं ना आपको, नया पुरानी वाली का तो कई आपने निकाल ही लिया, तो नई वाली के वजह से कितना हुआ? अभी नई वाली के वजह से 1,05,000 है, पर 5 लाख रुपए जो आपने लिए थे उसके से आपका इतना इंटरेस्ट लगा, यानी कि नए वाले 5 लाख ने आपको 1,05,000 कमाए, पर 90,000 से आपका इंटरेस्ट बढ़ गया, यानी कि आपको नेट प्रॉफिट तो 15,000 का ही हुआ है। बिकॉज 1,05,000 आपने कमाए थे, 90,000 गलाए थे, यू आर गेटिंग 50,000। अब क्या हुआ, एग्जिस्टिंग डिविडेंड कितना मिल रहा है आपको? ये जो आपको मिल ही रहा था 120, यानी कि टोटल कितना 135 हो गया। अब ये 135 किसको मिलेगा? हाँ शेयर होल्डर को मिलेगा। अब 135, और बताओ बच्चों ये क्या हो रहा है, ये 135 उनको ऐसा लगता है ये 21.6 जैसे, नहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो यहां लिख रहा है कि उनका कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है 21.6 हुआ। तो नया डेट लाने के बाद में आपको जो एक जमाने में 120 मिल रहे थे, अब वो 135 हो गए। तो 135 डिवाइडेड बाय 21.6%, यानी कि कंपनी के कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना हो गया? 6,25,000 इज़ द वैल्यू, और एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी कितना है? 6 लाख, यानी कि आपके ये सब क्रियाक्रम कांड करने की वजह से जो आपको 15,000 का जो फायदा हुआ है ना, वो आपका जो 15,000 मुनाफा बढ़ गया ना, उसके से आपकी कंपनी की वैल्यूएशन जो 6 लाख थी ना, वो अब 6.25 लाख हो गई ना। तो 15,000 प्रॉफिट जब बढ़ता है तो कंपनी की वैल्यूएशन 20,000 कैसे बढ़ जाती है? ए भाई बहुत कम बढ़ी है। किसी कंपनी का अडानी का अगर 15,000 का प्रॉफिट बढ़ गया ना, तो 200 का पीई लगाता हो। तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 200 का था, गनीमत अभी तो गिरा है एंटरप्राइज, वरना तो 400 का लगा रहा था, यानी कि अडानी 15,000 कमाए तो 400 मल्टीप्लाई करो रे, उसकी एलिजन 60 लाख हो जाती। सोचो अडानी के 15,000 डाले कि वैल्यूएशन 6 लाख 60 लाख बढ़ जाती। अपन आम आदमी 15,000 कमाते, बेचारा 15,000 से श्रीमंत होता, वो 15,000 कमाता वो 60 लाख से अमीर बन जाता। अपने से गरीब लोग इसलिए गरीब ही रहेंगे, अपन 15,000 कमाते हैं, अपनी वर्थ 15,000 से बढ़ती है। अडानी जैसे लोग 15,000 से वो प्रॉफिट बढ़ता, उनकी वैल्यूएशन पी में बढ़ती है 400 का मल्टीपल। अभी इतना वो बैंड बज रही है फिर भी 130 का पी मिल रहा है उसको, अभी भी 130-140 का मिल रहा है। आज जान दो अडानी और 25% गिरा बावजूद उसके, मतलब सोचने की बात है, इंसान का पी भी सोचो, मतलब जिन्होंने कितना ओवर प्राइस में खरीदा होगा। नहीं नहीं ये तो आज का जो है ना पी, मतलब मजा आ गया। मैंने अपने जीवन में किसी शेयर को इतना गिरते हुए एक दिन में देखा नहीं,
मतलब आपने लाइफ में देखने मिल गया आपने को बहुत बड़ी बात है। एक दिन में 50% वे खड़े करे। अच्छा मैंने भगवान शुक्र एक रुपया मैंने अडाने में नहीं लगाया, ना मैंने अडाने एंटरप्राइज में लगाया। मुझे लोगों ने कहा था सर आप हावले हो, मैंने कहा मेरे को बहुत लोगों ने सुनाया था तेरे पोर्टफोलियो में ग्रोथ नहीं है, तू रंगीला नहीं है, तेरे को रिस्क नहीं है। मैं लोग जब अडानी से पैसे कमाते थे ना, मैं ऐसा गरीब जैसा देखता था, अरे अडानी है उसके पास। बिकॉज मेरे जो ज्ञानी लोग थे जो मेरे आसपास, तो उन्होंने बोला था भाई एक दिन ये बबल है फूटे गए, तो अब क्या होना, बहुत टाइम लगा फूटने को, तो 3 साल तो बहुत सहा है ना लोगों से मैंने, क्या उखाड़ लिया तूने, बहुत हुशियार है सीए है ना तू। जितने सीए ना, बहुत सारे सीए ने अडानी में पैसे नहीं लगाए, और सबको हमेशा दर्द इस बात का था कि हमने लगाया नहीं, हमारी बुद्धिजीवी होने का हमें लॉस हुआ, फायदा तो काय का हुआ। पर आज समझ में आ रहा है, नहीं अब हो भी सकता है कि गवर्नमेंट को अगर और एक रिपोर्ट देती, गवर्नमेंट ने मांगा है उससे कुछ कुछ, हो सकता है वापस बढ़ जाए। भाई अडानी पावर बहुत बड़ी है, पीएम को बोलेंगे भाई, मैडम को बोल देंगे मैडम थोड़ा सा एक रिपोर्ट निकालो। मान लो अगर अच्छा रिपोर्ट आया ना और ऊपर जाता, नहीं अभी मैं उससे बहुत मुक्ति ले चुका हूं, अब मेरे को सोचना नहीं है। मैंने बहुत मेहनत से पैसे कमाए, ऐसे पैसे मेरे सोचो ना 25 करोड़ लगाए 12 करोड़ खत्म, इमेजिनेशन करो आप। पांच दिनों के अंदर 52% गायब, सोचो। बहुत लोगों के पास, मैं आपको मजाक लग रही होंगी, सोचो लोगों को आजकल मतलब ये सुसाइडल केस है भैया, 100 करोड़ के 50 करोड़ हो गए लोगे, खाना पीना जीना बंद हो जाएगा लोगों का, आपको मजाक लग रही है। और सोचो मान लो बढ़ेंगे बाद में बढ़ेंगे, आज रात को तो नींद नहीं आएगी इसको, ये हौला कैसे है। ये डेट इक्विटी रेशियो का ये चैप्टर का, यानी कि अडानी ने ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझा ना कैपिटल स्ट्रक्चर समझा, डेट इक्विटी ये चैप्टर अगर अडानी जी पढ़ लेते तो दोस्तों इतना वैल्यूएशन नहीं गिरता, यानी कि उसका मार्केट कैप 2 दिन पहले 3.5 लाख करोड़ था। इतनी बात नहीं दोस्तों, आप देख सकते हो यहां पे 1 महीने के अंदर, यानी कि अगर मैं 1.78 को 60% से डिवाइड कर देता हूं तो आप जानते हो उसकी वैल्यूएशन कितनी थी, 3 लाख करोड़ थी। खड़े खड़े गया 1,20,000 करोड़, और आपके जैसे मेरे जैसे लोग होंगे जिसे 100 करोड़ लगाए थे, अब वो 40 करोड़ हो गए। नहीं नहीं ये 40% है किस, राइट डिवाइड बाय 40% करो, ये 40% है, ये 40% है 1.78, 4.5 लाख करोड़, ये 40% है, 4.5 लाख करोड़ की कंपनी 1 महीने के अंदर 1.78 हो जाती है। ये कैपिटल स्ट्रक्चर का बेस्ट एग्जांपल है। और बोलते हैं ना इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी कैपिटल स्ट्रक्चर एमएम अप्रोच को, एमएम को बुलाओ यहां पे, वैल्यू ऑफ द कंपनी विल रिमेन सेम इन द लॉन्ग रन, घंटा लॉन्ग रन। यहां पे कौन सा लॉन्ग रन है भाई, एमएम अप्रोच को अखिल में अडानी जी जो मिलेंगे, शायद से अडानी जी जो है ना एमएम अप्रोच ही पढ़े बस और कुछ नहीं पढ़े। इररिलेवेंस एग्जामिनेशन बढ़ा लेना, एग्जाम्पल रिलेवेंस एमएम अप्रोच, एमएम अप्रोच कौन सा एमएम अप्रोच है भाई, एमएम अप्रोच बोलता है आपका डेट इक्विटी स्ट्रक्चर कुछ भी रहें दो, मार डाला। अच्छा दोस्तों आपको आप जानते हो पूरा शेयर मार्केट हिला इसने, जितना मेहनत जो अपनी मैडम ने की थी, बजट अच्छा लाके अडानी जी ने, देख लीजिए दोस्तों कल कहां से कहां हो गया, देखा यहां तक पहुंच गए थे हम लोग 67 से, जैसे ये न्यूज आ गई 1700 पॉइंट डाउन, 700 पॉइंट डाउन दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, देखो यहां पे कितना गया था 7700, यहां पे कितना हो गया, ओ 59176, इतना डाउन हुआ एक न्यूज की बात। दोस्तों कोई बात नहीं है, कैपिटल स्ट्रक्चर का अच्छा हो ये चैप्टर जब चल रहा है, सोचो क्या संजोग है, मतलब
अपने चैप्टर को और समझाने के लिए अरानी ने सब कुछ किया कि बच्चों तुमको मैं रियल लाइफ बताता हूं कि क्या अफेक्ट होता है कि डेट इक्विटी का। कैपिटल स्ट्रक्चर का बेस्ट एग्जांपल है डेट इक्विटी रेशियो ऑफ अडानी। अपने को समझाने के लिए क्या उन्होंने अडानी एंटरप्राइज कितना है रे, ये शायद से अपने को उसका देखना पड़ेगा। अडानी क्या बोला, ग्रीन का कर देता, ये बेस्ट है। क्या समझता है इसका मतलब, 11.3 संघ मतलब समझता है क्या, क्या मतलब है इसका, यानी एक इक्विटी रहती 11.5 उसका डेट है, 1 करोड़ का इक्विटी, ये कौन सा डेट इक्विटी भाई, मतलब आपने जो कुछ किया है लोगों के पैसों पे किया है। हाँ जी, हाँ थोड़ा सा लेवल ऐसा, इतना ही डेट लेना चाहिए आपने जितना आपको चुकाने की आपकी क्षमता है, ये आपके औकात के बारे में, ये अगर कम नहीं तो कहां से देंगे पैसे। इसलिए वो क्रेडिट स्विस ने ये बोला कि आप, मैं तुझे लोन नहीं दूंगा भाई, तू किसी लायक नहीं है। तो इसके बाद में ये सब कुछ कांड हुआ है दोस्तों। इंडिया का मार्केट एक तो फंडामेंटल पे चलता है और दूसरा सेंटिमेंट पे चलता है। अभी आप सेंटिमेंटल और फंडामेंटल दोनों गए, फंडामेंटल खराब हुआ, लोगों का सेंटिमेंटल खराब हो गया। अच्छा इतने दिनों से, पर एक बात बताओ, अडानी के विषय की चर्चा आज से नहीं अपने क्लास में 1.5 महीने से हो रही है। मुझे बताओ अपने से लोग जो है ना, इसका मतलब समझिए, आप जो पढ़ रहे हो ना, हमने ये बाकी तो ऑलरेडी किया था, आपको आज अडानी का पहली बार विषय नहीं निकला है, कई बार अपन ने बात की अपन ने इसके ऊपर। इसका मतलब हम लोग सब कितने इंटेलिजेंट लोग है जो दुनिया, जो क्रेडिट स्विस को इतने दिनों बाद समझ रहा, वो हिंडनबर्ग को इतने दिन बाद समझ रहा, हमको तो FM के 8 दिन में समझ गया था गेम हो रहा है इनका। क्या हुआ, 24 बिलियन डॉलर से गिर गए, कौन से रैंक पे आ गया वो, 16वे रैंक पे, ओके वेरी गुड, ओके एनीवेज कोई बात नहीं, हो सकता कल परसों में और रेट बढ़ जाए, आपने वो करारा जवाब दे दे भाई साहब। एक स्टेटमेंट आ गया ना उधर मोदी जी से, उनसे कुछ नहीं है भरोसा रखिए, ऐसा कुछ नहीं, RBI के एक आधे बंदे ने बोल दिया या इसने बोल दिया ना, ये मार्केट जितना जैसा गिरा ना उसी रफ्तार से हो सकता है वापस, नहीं क्या वो बोलता है, अभी शांत बैठा है वो, कुछ नहीं। और मैं आपको समझाता हूं, अपन बहुत छोटे लोग हैं इनके पॉलिटिक्स समझने के लिए, अपने को पता भी नहीं, अपन खड़े खड़े बेच देंगे अपने को, हो सकता है इनका ही प्लानिंग हो बाय बैक करने के लिए, अपने को तो क्या ही पता है क्या अंदर क्या गेम हो रहा है, हो सकता है कुछ लोगों को बाय करने आऊंगा, बोले तुम 2-4 न्यूज डाल दो नीचे लेके हम बाय करते हैं, फिर एक न्यूज अच्छी दे देना। एनीवेज पर अभी का जो फंडामेंटली वो कंपनी का यही औकात है जो अभी है, इसके बाद में जो जाएगी वो अलग बात है, क्या सेटिंग तुम्हारी होती है अंदर और तुम कितने पावरफुल, आप जानते हो इंडिया सेट कोई भी हो सकता है यहाँ पे। एनीवेज गाइस बहुत अच्छी बात है, वापस आना चाहिए, शेयर मार्केट में उछाल आएगा दोस्तों, आगे बढ़ने का समय आ गया है मित्रों। चलो 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 भाई चलो, 10 में ये हो गया ना अपना दोस्तों, अपनी आपने ये क्वेश्चन तो हो ही गया था। आप एक काम करो, इस क्वेश्चन में बताओ कौन सी चीज आपको डिफिकल्ट लगी, यहां से क्या मिला आपको, क्या समझ नहीं आया। वो बोल रहा है इससे आप कंपनी 21.6 जब बोलते हैं ना तो आप कंपनी का क्या निकालते हो, एक आपको पैट अपॉन 21.6 तो कंपनी का क्या निकल गया टोटल, ये क्या टोटल वैल्यू, ये अपन क्या वो टोटल वैल्यू अगर 6,25,000 और पहले कितना था, तो इसके साथ 25,000 वैल्यूएशन बढ़ी। ओके आगे बढ़ेंगे देखते दोस्तों, कम ऑन वेलकम बैक, क्वेश्चन नंबर 11। XYZ कंपनी हैज अ कैपिटल स्ट्रक्चर 30% डेट, 30-70 डेट इक्विटी 30-70, द कंपनी इज कंसिडरिंग द वेरियस प्रपोजल कॉस्टिंग लेस देन व्हाट 30 लाख्स,
यानी कि 30 लाख के आसपास का. द कंपनी डज नॉट वॉन्ट टू डिस्टर्ब इट्स प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर, अज्यूमिंग द टैक्स एट 50%. कॉस्ट ऑफ रेजिंग डेट एंड इक्विटी आर एज फॉलोज. यहाँ पे डेट का जो नाम है उसको इक्विटी लिख देते, गलती से डेट हुआ है यहाँ पे, वो आपने लिखवा दिया था राइट. दोस्तों यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, अगर 5 लाख लेते ना आप, तो आपको ये कॉस्ट ऑफ डेट है, ये केडी नहीं है, ये केडी नहीं है, ये तो इंटरेस्ट है. इसका केडी आएगा 4.5%, क्योंकि आपका 50% इनकम टैक्स है. ये आएगा 5%, ये आएगा 5.5%, ये आएगा 6%, बराबर चल रहा है. और आपको मालूम है इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है, अगर आपको 8 लाख रुपए का फंडिंग चाहिए तो बता कौन सा स्लैब रेट एप्लीकेबल होगा आपका, पहला है दूसरा? बिकॉज दूसरा ही है, जो जहां पे 5 लाख से 20 लाख लेने के लिए आपको केडी लगता है 5% का और केई लगता है 14% का, तो कैसे करेंगे उसको? केडी यानी कि 0.30 मल्टीप्लाइड बाय कितना, 5, और इधर आएगा 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 14. मैंने एक 14 लिखा हुआ है, तो आंसर कितना आएगा? ये आएगा आपका 11.3, बराबर है. अरे दोस्तों बताओ भाई, और कितने पैसे चाहिए उसको? 8 और दूसरा 22 लाख, तो 22 लाख से तो ये स्लैब आ जाएगा. तो 22 लाख कैसे निकालेंगे आप? अरे भाई 22 लाख लगते तो उसको ये स्लैब रेट वाले पैसे लगेंगे ना, थर्ड रो वाले, तो कैसे निकलेगा उसका? केडी, केडी का वेट प्लस केई, केई का वेट. बताओ केडी कितना होगा? 5.5% मल्टीप्लाई कर दो 0.30 से, प्लस करो 0.70 मल्टीप्लाई बाय 15%. जो मैं बोल रहा हूं समझ आया कि नहीं? कितने लोगों को समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? अरे कितने लोगों को समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? बाकी लोगों को समझ आ रहा है? बताओ क्या किया आपने, बताओ यहां पे. अरे वैक निकाल रहा हूं मैं, तो वैक तो कुछ है नहीं, 30-70. तो अगर आपको ऐसा नहीं आता ना, अब सोर्स अमाउंट वेट रेट वैसे भी निकाल सकते हैं. सोर्स क्या आएगा? डेट इक्विटी. वेट कितना आएगा? 30-70. अमाउंट गिवन है, और अमाउंट की वैसे जरूरत नहीं पड़ती अगर वेट मालूम है तो. और मल्टीप्लाई कर दो आप रेट से, एक का रेट है 5.5% और एक का रेट है 15%, आपका वैक वैक निकल जाएगा बाहर. अच्छा क्वेश्चन लिखा है, इफ द प्रोजेक्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू यील्ड 12%, डिटरमाइन द प्रोजेक्ट्स. आप बताओ इसमें से कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल होगा, अगर आपकी रिटर्न 12% है तो. आपकी कमाई 12% हो रही है तो इसमें से कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा होगा? सर सिंपल एक काम करो ना, चारों का निकाल दो. क्या निकाल दो चारों का? चारों का वैक वैक निकाल दो. जिसका भी वैक 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 12% से कम होएगा वो आपके लिए अच्छी चीज है. देखो भाई धंधे से 12% आ रहे हैं, तो आप कौन सा वैक चूज करोगे जिसकी कॉस्टिंग 12% से कम होगी? मैं एक कंपनी हूं, मेरे धंधे में 12% मिल रहे हैं, तो मैं कितना वैक बर्दाश्त कर सकता जो 12% से कम होगा? तो बताओ एग्जाम्पल के तौर पर आप बताओ 0.1 का यानी कि रो 1 का कितना वैक है? अरे रो 1 का वैक निकालो, कम ऑन सर. 9% मल्टीप्लाई बाय 0.3 यानी कि 4.5%. 4.5 मल्टीप्लाई बाय 0.3 प्लस 13% मल्टीप्लाई बाय 0.7 यानी आंसर 10.45. ऐसे करते करते आपने चारों का निकाला. आप बता दो कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ? क्योंकि आपको वैक कितना, अपना कितना रिटर्न कितना है? तो आपको फर्स्ट करेंगे या नहीं करेंगे? सेकंड दोनों करेंगे ना, और सेकंड वाला क्यों नहीं? इलेवन है क्या? 12 है. इतना बच्चों से बात करते हैं. यहां पे लिखा है एक मिनट, प्रोजेक्ट आपका बी में लिखा है 12% डिटरमाइन वेज, और आगे लिखा है. हाँ ठीक है, मैं आपको मेरा सवाल हो नहीं, मेरा सवाल ये है कि अगर 12% होता तो आप ए और बी कर लेते, और अगर 11 होते तो सिर्फ ए वाला करते. बस यही मुझे सवाल चाहिए. आप हमेशा याद रखिए, आप उन प्रोजेक्ट में पैसा लगाओगे जिन प्रोजेक्ट में
आपके आने वाली रिटर्न्स जो है वो वैक से ज्यादा है। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन में वैक वैक करना मुश्किल नहीं था। एक चीज है जो हमेशा याद रखना है, योर आरओसी यानी कि रिटर्न जो आ रहा है, इट हैज टू बी ग्रेटर देन द वैक, देन ओनली यू शुड सेलेक्ट द प्रोजेक्ट। तो मेरे लिए एक समरी नोट्स का पॉइंट मिल गया। बताओ कौन सा पॉइंट मिला? क्या आपको मैं बताऊं वैक वैक कैसे निकालना है? वो तो बच्चा अभी यार पूरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैक वैक नहीं यार तो क्या आएगा आपको? आपका वो उससे ज्यादा होना चाहिए, आरओसी आपके वैक से ज्यादा होना चाहिए, देन ओनली व्हाट। और अगर आपका आरओसी आपके वैक से छोटा है देन रेफर क्वेश्चन नंबर। बोलो सही चल रहा है? चलो प्रोसीड गाइस, कम ऑन। क्वेश्चन 12, आर यू एबल टू रिकॉल गाइस? कम ऑन, क्या आप रिकॉल कर पा रहे हैं? बोल रहे भी नहीं आप। आर यू एबल टू रिकॉल? आई एम ऑन क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है कोई बात, हाँ ठीक है, ठीक ठीक कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 आंसर क्या? अपने को से देखना कॉन्सेप्ट आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 गाइस कम ऑन, अ कंपनी अर्न्स प्रॉफिट 3 लाख रुपए। अ कंपनी अर्न्स प्रॉफिट 3 लाख रुपए पर एनम आफ्टर मीटिंग इट्स इंटरेस्ट लाइबिलिटी ऑफ, ओहो 3 लाख कमाते 1,20,000 इंटरेस्ट घलाने के बाद, यानी कि ईबीटी आपका 3 लाख, यानी कि ईबीआईटी 420 होगा। नहीं पहले आप मेरे लेवल पे आ जाओ फिर आगे बात करते हैं। कहते हैं आपका ईबीआईटी 420 है, 420 420 420। हाँ द टैक्स रेट इज 50%, तो बोलो ना फिर क्या होगा? 420 माइनस 120 बचेगा आपका 3 लाख, माइनस करेंगे 50%, 1,50,000 आपका आएगा ईएटी। द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच 80,000 एंड द रिटेन अर्निंग कितना है? 12 लाख। ओके फाइन, अब देखते क्या लिखा है उन्होंने। द कंपनी प्रपोजेस टू टेक अप एन एक्सपेंशन स्कीम फ्रॉम विच सम ऑफ 4 लाख इज रिक्वायर्ड, 4 लाख और चाहिए। It is anticipated that after expansion the company will be able to achieve the same return on the investment as at present. अच्छा है, क्या बोलना चाहता है बच्चों ये? कंपनी जो है सेम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका एज प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में जो कमा रही वही आएगा। तो प्रेजेंट कितना आ रहा है? देखो बच्चों आपको पता नहीं है, हम लोग 80,000 प्लस मल्टीप्लाई 10 यानी कि 8 लाख का शेयर्स है और 12 लाख आपका अर्निंग है, यानी आपने धंधे में 20 लाख लगाए। आप 20 लाख पे उनको कितना ईबीआईटी आता? 3 लाख, सॉरी 4,20,000। तो आप क्या हुआ, 20 लाख पे आपका 420 आता, तो इसका मतलब क्या आपका प्रोपोर्शन में आता? अरे धंधे में 20 लाख डाले आपने तो कितना 420 मिला ना आपको? डेट कहां है? हाँ इंटरेस्ट कितना है? 1,20,000, 12%, यानी कि वो भी 10 लाख का होगा। तो आपने धंधे में कितने पैसे लगाए? 30 लाख। 30 लाख में कितने पैसे मिले? 4,20,000। तो आपने धंधे में लगाया 30 लाख, मिलेंगे आपको 4,20,000, बराबर है? तो आपका कितना रिटर्न आ रहा है? 14%। वो बोल रहा है आप जो 4 लाख जो नए लाओगे ना उस पर भी आपका उतना ही चारा, यानी कि आपका 4 लाख पे कितना परसेंट आएगा, यानी कितना आएगा? वो आएगा आपका 56,000 और पहले का था 420, यानी कि आप हो जाएगा 476 आपका नया ईबीआईटी। इधर देख लीजिए आंसर। देखो भाई आप तो 30 लाख रुपए आपके पास में हो गए, ये देखो 10 लाख 8 लाख, ये 30 लाख हो गया। और ये 14% कैसे हो गया? 4,20,000 आपने कमाए 30 लाख के ऊपर, तो आपका हो गया 4,20,000 माइनस आपका इंटरेस्ट चला गया, ये आ गया आपका पहला कॉलम, ये कॉलम देखिए प्रेजेंट, एबीटी गया और टैक्स गया 1.5 लाख बचा और गया, ये क्या बचा? नंबर ऑफ शेयर्स 80,000। ये क्लियर है? अब लोन ऑप्शन में क्या हुआ, आपके जो पैसे थे वो क्या बढ़े?
आपका सिर्फ डेट बढ़ा है, बाकी लोन और रिजर्व सेम ही है आपका, यानी कि डेट कितना हो गया, बाकी सब तो सेम ही है, और आपका टोटल कैपिटल हो गया 34 लाख का, पर आपका ईबीआईटी कितने से बढ़ा, 56,000 से, बिकॉज आपने 4 लाख नए डाले उसके ऊपर 14%, तो आपका 56,000 प्लस, यानी टोटल पीबीआईटी 476, तो जाकर 476 आया होगा यहाँ पे। और आपका लोन जो था वो तो जो पहले 120 था तो वो तो था ही, अब ये 4 लाख पे जो नया आया है, 4 लाख पे कितना इंटरेस्ट आया, 48,000, यानी कि दोस्तों पहले का 1,20,000 प्लस 48, यानी कि 168 माइनस हो गया, आपका ईबीटी बचा 3,08,000, माइनस करेंगे इतना ये आएगा ये, एवरीबॉडी अब क्या होगा, अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, वो कह रहा है कि द फंड्स रिक्वायर्ड फॉर द एक्सपेंशन कैन बी रेस्ट टू डेट और बाय इशूइंग व्हाट, अगर बताओ यही ऑप्शन, अगर मान लो 4 लाख अगर हम लोग डेट नहीं लेते तो क्या क्या होता फर्क, आपका इंटरेस्ट उतना ही रहता, यानी कि दोस्तों 476 रहता, पर जो इंटरेस्ट है ना वो 168 नहीं होता, वो 120 होता, अरे यानी कि क्या नहीं हो रहा है, ये है 476 माइनस 120, कितना हो गया ये 3,56,000, ये कैसे हो गया, बिकॉज आपका आपका जो इंटरेस्ट है 120 का 120 रहेगा, ये आ गया 120, अब ईबीटी आया, टैक्स गया, इतना 178 बचा है। अब एक बात बताओ बच्चों, कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, अभी क्या हुआ ना, आपके पास जो ईएटी आया है ये अपॉन 80,000 करेंगे और 178 को अपॉन 120 करेंगे तो आपका ईपीएस चेंज हो जाएगा, देखो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, कहा जहां पे हमारा ईपीएस सबसे ज्यादा अच्छा होगा हम वो करेंगे सिलेक्ट, तो कौन सा सिलेक्ट किया हमने, मैं बोलूं क्या इसके बारे में, क्या बोलूं, बरा बोलने लायक कुछ नहीं, मैं क्या समझाऊं आपको इसके ऊपर, अभी आपको एक क्वेश्चन समझाए, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस, आपको सभी को समझाए, ओके एक बार लाइव स्ट्रीमिंग वालों से पूछ लेता हूं मैं, कहां पे हूं मैं, नाम है इसका, यस सर समझा, अमन अंश प्राची यशिका धीरज गौरेश सचिन कह रहा है समझा गुरुजी, सर वो ईबीट वाला फिर से, क्या ईबीट वाला फिर से बता दूं, अरे मुन्ना अरे पहले ईबीट कितना था उनका 420, अभी इन्होंने कितना धंधा और बढ़ाया 4 लाख, 4 लाख के ऊपर कितना 14%, यानी कि 56,000 बढ़ गया, या 476, आप कहेंगे 14% कैसे निकाला, क्योंकि दोस्तों उनके कंपनी ने 30 लाख लगा के 420 कमाए थे, 14% का आरओआई है उनका, इसमें इस क्वेश्चन में मुझे एक चीज लिखवा क्या रहे, द कंपनी प्रपोजेस टू टेक इन दिस एंड इट इज एंटीसिपेटेड आफ्टर द कंपनी विल बी एबल टू अचीव द सेम रिटर्न, ये आप हाईलाइट कर दो, इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस क्वेश्चन में मुझे लगता है एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो 56,000 वो नया ईबीआईटी बढ़ रहा है ना 56,000 से, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये, रेफर क्वेश्चन नंबर 12, क्या बढ़ा इसमें ईबीआईटी, आपका कितना था 4,20,000, आपका इन्वेस्टमेंट कितना था 30 लाख, यानी कि आरओआई कितना हो गया आपका 14%, आप बोलो नया कितना हो गया, न्यू इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, इन्वेस्टमेंट कितनी है 4 लाख, आपको आरओआई कितना हो गया 14%, तो आपके रिटर्न्स कितने, ईबीआईटी कितना बढ़ गया 56,000, तो टोटल ईबीआईटी कितना हो गया, सो टोटल ईबीआईटी हाउ मच, फोर सेवेंटी सिक्स, एवरीबॉडी ये मुझे लगता है इंपॉर्टेंट था जो मैंने अलग से लिखवा दिया आपके लिए,
ओके डन गाइस, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, रेडी नाउ कम ऑन। अभी यहां से इस चैप्टर के इजी क्वेश्चन स्टार्ट। दोस्तों कुछ नहीं है, अभी ईपीएस करना है आपको। क्या आप मुझे ईपीएस करवा सकते हो? और इस चैप्टर में कुछ इंडिफरेंस पॉइंट भी है, आप जानते हो इंडिफरेंस वाला जब चालू होता है उसमें से एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे बस, और एक क्वेश्चन बीईपी वाला है, ब्रेक इवन पॉइंट, वो तो जानते ही आप। तो इस क्वेश्चन चैप्टर में 7-8 क्वेश्चन में से एक करना है वो इंडिफरेंस पॉइंट वाला, जहां पे आपका बीईपी भी आ जाता है और इंडिफरेंस पॉइंट भी आता है। अभी आपका ईपीएस चालू है, नहीं नहीं मुझे बोलना पड़ेगा क्या बोल रहा है ईपीएस के बारे में। ए बच्चों बताओ ईपीएस कैसे निकालते? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, आपका ईबीआईटी आता, माइनस कर दो इंटरेस्ट, माइनस कर दो टैक्स, माइनस टैक्स हो गया तो आपको पैट पे आ गया आप, माइनस कर दो प्रेफरेंशियल डिविडेंड, आपका था डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिवाइड करो नंबर ऑफ शेयर से, आपका था ईपीएस। इतना गिरा हुआ क्वेश्चन, अभी हल्कर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इसको देखने से भी कुछ नहीं हो रहा, देखते कितने लोग अपने मन से इसको कर पा रहे हैं। कुछ नहीं, इसमें स्लैब रेट वाला एक समरी नोट डाल देंगे बस, बाकी कुछ नहीं करेंगे। जरा एक बार चेक करो अपनी आंखों से, देखिए फटाफट जल्दी से देखो, देखो जल्दी से क्या हो रहा है यहां पे। अरे बोलो भाई पहले क्या हो रहा है? इंडिया लिमिटेड रिक्वेस्ट कितना? 50 lakhs अ न्यू प्लान एंड दिस प्लान इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड कितना है? ईबीआईटी कितना? 10 lakh। ईबीआईटी कितना है? एंड व्हाइल डिसाइडिंग अबाउट द फाइनेंशियल प्लान द कंपनी कंसीडर्स ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजिंग ईपीएस। ओके ईबीआईटी 10 lakh है, ईपीएस निकालना है, तीन ऑल्टरनेटिव कितने कॉलम बनेंगे? 4 पर्टिकुलर्स बनेंगे, पर्टिकुलर्स बनेंगे, और साथ साथ में क्या होगा मत कर रहा, ठीक है पर्टिकुलर्स कराएंगे और साथ में बताओ बच्चों क्या होगा? ईबीआईटी आएगा 10 lakh 10 lakh 10 lakh, और उसके बाद में क्या होगा? डेट कितना है? 5 lakh 20 lakh 30 lakh, राइट एवरीबॉडी? तो आप करेंगे वहां पे क्या होगा? आपके 4 कॉलम बनेंगे, पर्टिकुलर्स ऑप्शन 1 2 3, 10 lakhs 10 lakhs 10 lakhs, डेट 5 lakh 20 lakh 30 lakh, बराबर है ना? एंड बैलेंस, बैलेंस यानी कितना आपको? 50 lakh चाहिए ना, तो पहले कॉलम में कितना आएगा? 45, फिर आएगा 30, फिर आएगा 20, यानी कि आपके 4 कॉलम्स हो गए, देख लीजिए ऐसे होगा अभी तक, ये देख लीजिए, ये तो क्लियर है आपका डेट इक्विटी पूरा क्लियर है। अब दोस्तों आपका ईबीआईटी कितना है? नहीं मुझे ईबीआईटी की तो 10 10 10। अब इंटरेस्ट कितना माइनस होगा इसका? 5 lakh का इंटरेस्ट बोलो, 14% है क्या? एक मिनट मैं देख लेता हूं क्या लिखा है इसमें, थोड़ा सा चेंज किया उन्होंने, उनका बोलना था कंपनी शेयर इज करेंटली सेलिंग एट अबाउट 150 बट इट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन 125 इन द केस ऑफ फंड्स आर बोरोड एक्सेस ऑफ व्हाट, यानी कि पहले कॉलम में और दूसरे कॉलम में आपका जो है वो जो रेट है 150 150 रहेगा, और तीसरे कॉलम में आपके जो रेट है वो 125 हो जाएंगे। वो क्या बोल रहा है? जब भी आपका डेट जो है वो 20 लाख के ऊपर जब जाएगा, यानी कि पहले वाले में और दूसरे वाले में डेट तो 20 लाख के नहीं चाहिए, तो इसलिए क्या होगा? पहले वाले सेकंड वाले में नंबर वैल्यू ऑफ शेयर कितना होगा? 150 150, बाद में आएगा 125। देखो यहां पे वही लिखा है, देखो एक बार एक चेक कर लो, 150 150 125। अब बताओ इसको देखिए तो नंबर ऑफ शेयर्स तो आप निकाल ही लोगे, तो बताओ कैपिटल इज इक्वल टू कितना है? 45 है ना, 45 इक्विटी, तो 45 अपॉन 150 करो, 45 lakhs अपॉन 150, तो आपके कितने शेयर्स हो गए? 30,000, और इसका क्या था? 30 lakhs अपॉन 150, ये हो गया 20,000, और ये 20 lakhs अपॉन 125, तो ये शेयर्स हो गए रे, ये तो शेयर्स है, ताकि अपन ईपीएस निकालने के लिए शेयर्स लगता ना वो है ये। अब बोलो आगे क्या करूं मैं? एक काम करो आप, आपको वो कर सकते हैं, पहले तो आप डेट वाला देख लो एक बार, ईबीआईटी में से पहले इंटरेस्ट माइनस करना पड़ता, फंड्स कैन बी बोरोड एट द रेट ऑफ 9% अप टू 5 lakh, 5 lakh के लिए 9%, 14% ओवर 5 lakhs, यानी 5 lakh से 20 lakh के लिए 14%, और 20 lakh से ऊपर 19%, यानी कि स्लैब रेट जैसा हो गया, उतने के लिए उतना, उससे उतना, उतने के, यानी कि तीन टाइप के इंटरेस्ट आएंगे। तो देखते हैं, बोलो 5 lakhs के लिए कितना है? 9%, तो इसलिए पहले वाले का आंसर तो 5 lakh मल्टीप्लाई बाय 9% यानी कि 40% माइनस हो जाएगा। यहां पे 20 lakhs का पहला आएगा 45,000, और जो 5 lakh से 20 lakh जो 15 lakh जो बच रहे हैं उसका 15 lakh का मल्टीप्लाई करेंगे
14% बराबर चल रहा है क्या? नहीं नहीं मैं जो बोल रहा देखो एक बार अच्छे से, पहले वाले तो 5 लाख ही था, सेकंड वाले का 20 लाख, उसके दो पार्टी बढ़ेंगे, 5 लाख का अलग इंटरेस्ट आएगा और रिमेनिंग 15 का अलग इंटरेस्ट आएगा, और रिमेनिंग 30 का जो है उसमें 5 लाख का अलग इंटरेस्ट, 15 लाख का अलग इंटरेस्ट, और रिमेनिंग 10 लाख के ऊपर कितना 19%, यानी कि वो 1,90,000 ऐड हो जाएगा, सो 210 + 190 हो जाएगा वो। एक बार देख लो, आई थिंक यही एक बार हाईलाइट कर दो इस क्वेश्चन को, अगर आपके इसमें किताब है तो इसको हाईलाइट करो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट था। यहां पे सबसे ज्यादा खतरनाक जो साबित हो रहा है वो है इंटरेस्ट, इसको स्लैब रेट बोलते हैं, ये जब समरी बनेगा तो लिखवा दूंगा मैं। हाँ एक साथ लिख दो कोई बात ही नहीं। बोलो बच्चों ईबीआईटी में से इंटरेस्ट क्या, तो माइनस क्या होगा आपका ईबीटी आ जाएगा, तो ईबीटी आ गया, टैक्स माइनस कर दू क्या, तो टैक्स माइनस हो गया, अब आपका पैट बच गया, और दोस्तों पैट है और नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है तो आपका ईपीएस तो आना ही है, 5,73,000 अपॉन कर दो 10 लाख, सॉरी अपॉन कितना कर दो 30,000, उसके बाद में 4,47,000 अपॉन 20,000, 3,33,000 अपॉन आएगा आपका 16,000, ये आपका निकलेगा ईपीएस। कौन सा अच्छा है? अगर आपको ईपीएस का एक भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वो ये है, आप इसको कर दो स्टार मार्क। अगर आपको ऐसा लगता है कि ईपीएस के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है ये कर देना स्टार मार्क। मैं यहां पे बताओ क्या लिखूं, आपके समरी में क्या ऐड करूं आप ही बता दो। रेफर क्या करेंगे, रीड कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट, ठीक है ना, केयरफुली। बोलो क्या करेंगे वो, अप टू 5 लाख देन व्हाट, सही क्या? बोलो कैसा होगा इंटरेस्ट ऑफ 30 लाख का इंटरेस्ट, बताओ कितना आएगा 30 लाख का इंटरेस्ट, बताओ कितना आएगा, यानी कि आंसर आएगा 5 लाख का 9% प्लस 1 बार देख लीजिए, ये सही लिखा गया मैंने, ये मैंने यहां पे लिख दिया आपके लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, आपको इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है तो मैं 15 नहीं लेता हूं, 16 भी नहीं लेता हूं, मैं 17 भी नहीं लेता हूं, 18। एक काम करता हूं 17 ले लेता हूं, एक बार सबका एक कॉमन ले ले 18। क्या आप मुझे बता सकते हो इंडिफरेंस पॉइंट किसको बोलते हैं, देखते हैं इंडिफरेंस पॉइंट कितने लोगों को आता है, आता है आप सभी को। इंडिफरेंस पॉइंट एक ऐसा ईबीआईटी है जहां पे इररेस्पेक्टिव ऑफ डेट इक्विटी स्ट्रक्चर दो कंपनी का ईपीएस सेम हो जाता है, यानी कि एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आपका ईबीआईटी 30-70 रहे, सॉरी आपका डेट इक्विटी 30-70 रहे या डेट इक्विटी 50-50 रहे या फिर 70-30 कुछ भी हो जाए, आपका ईपीएस तो एग्जैक्टली सेम आएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इधर भी एक्स लिखते हैं उधर भी एक्स लिखते हैं, माइनस करते माइनस करते माइनस करते, इंटरेस्ट माइनस टैक्स माइनस और क्या मैनेज करते हैं,
करते ना, पीडी होगा तो पीडी मैनेज करेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे, इसका एपीएस दोनों ऐसे से कर देंगे। और आपको जो एक सिक्स का जो आएगा, एक का जो वैल्यूएशन आ जाएगा इक्वल टू करके दैट एक्स इज नथिंग बट व्हाट, वो आपका है एस। अच्छा बताओ ये ईबीआईटी आपने क्यों ढूंढा? ये ईबीआईटी आपको एक ऐसा फ्रीडम देता है कि आपका कुछ भी आने दो तभी भी आपका क्या नहीं होगा। आप इसका समरी नोट में मुझे बता दो क्या ऐड करना चाहिए इसके बारे में। नहीं आप क्या बोलो, मैं आप बोलो क्या बोलोगे? नहीं मुझे बोलना है। अच्छा क्या बोल रहे, कौन बोला है? हाय छोटा भीम, इंडिफरेंस पॉइंट बोलो जल्दी से क्या होगा? अगर मान लीजिए ये ए प्रोजेक्ट है, ये बी प्रोजेक्ट है, क्या करना पड़ेगा इसका? अरे कुछ बोलेंगे क्या? इंडिफरेंस पॉइंट क्या करूं मैं? ये ईबीआईटी है, ये है एक से, ये एक से बराबर है, माइनस कर देंगे इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल इसका 20,000 है और इसका 30,000 है, बराबर है, तो क्या हो गए? ये आएगा ईबीटी एक्स माइनस 20,000 एक्स माइनस, मान लो टैक्स आपका है 50%, एक्स माइनस क्या करेंगे? पॉइंट फाइव एक्स माइनस, यह आएगा आपका ई ए टी पॉइंट फाइव एक्स माइनस, क्या सही है क्या चल रहा है? माइनस कर दीजिएगा नंबर ऑफ शेयर्स 20,000, यहां पे करेंगे 30,000, क्या आएगा ये? हाँ तो डिवाइड ही करूंगा ना, ये आएगा आपका ईपीएस 0.5x माइनस 10,000 अपॉन इज इक्वल टू 0.5x माइनस 15,000 अपॉन 30,000, बराबर चल रहा है? और फिर क्या होगा इसको साथ में ऐसे ऐसे करें और जो भी आएगा वो x इज इक्वल टू दैट x इज नथिंग बट व्हाट इनडिफरेंस ईबीआईटी। अरे बहुत इजी है ये, मतलब इतना गिरा हुआ है ना, आप अगर इसके चार जीरो हटा दे तो करके बताओ क्या होगा? ये जाएगा आपका कितना हो जाएगा, कुछ आ रहा है क्या आपके हिसाब से? बताओ कुछ तो भी आएगा, निकालो ना। ये आएगा 1.5x माइनस 30,000 और उधर आएगा 1x माइनस 30,000, देखो जरा। हाँ आपका साबुन स्लो चल रहा है, अरे सॉल्व करो आप, क्या मेरी मौत का तमाशा देखने आए? इनवैलिड है क्या? क्यों कुछ भी नहीं हो रहा है? अच्छा पॉइंट फाइव हो गया क्या? इसको मैं क्या करूं, ऐसा क्यों है? पर कैसे हो इनवैलिड हुआ? किसको चेंज कर दूं? किधर पर इंटरेस्ट कितना करूं? इसका भी कुछ होगा कि नहीं होगा? इंटरेस्ट हटा दूं, इसको एस जीरो कर दूं, एक्स माइनस जीरो तो अपना इक्वेशन होना चाहिए ना। हाँ चलो ठीक है, आप बताओ एक्स माइनस जीरो कितना इजी क्वेश्चन बनाया आपने आपके लिए।
आपने आपके कितना फायदे वाला क्वेश्चन बनाया है, इतना गिरा हुआ क्वेश्चन बनाया आपने। चलो मैं खुद ही कर लेता हूं, अभी आपके भरोसे पे नहीं रहता, आप कुछ भी बताते मेरे को। 1.5x माइनस कितना, ये बनेगा 0.5x इज इक्वल टू 60,000, ये आपका 60,000 है। हाँ नहीं, अच्छा किया वैसे, 60,000 आपका इंडिफरेंस पॉइंट है। कैन यू प्लीज दोस्तों, क्या आपको इंडिफरेंस पॉइंट बोल के ऐसा याद आएगा एग्जामिनेशन के पहले? आप बता दो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स ईबीआईटी? ईबीआईटी एट इंडिफरेंस पॉइंट इज इक्वल टू, बोलो ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ डेट इक्विटी स्ट्रक्चर, आगे बोलो, स्ट्रक्चर ईपीएस ऑफ बोथ द ऑप्शन विल रिमेन। सही बोल रहा हूं क्या दोस्तों? ये इंडिफरेंस पॉइंट हो गया हमारा। आप बता दो दोस्तों, अगर तीन तीन कॉलम्स होंगे तो क्या करना चाहिए? अगर आपका इसमें तीन होगा, क्वेश्चन रेफर क्वेश्चन नंबर, आपको दिया है पी क्यू आर, क्या करना चाहिए? तो इसके तीन इंडिफरेंस पॉइंट आएंगे, आपके थ्री इंडिफरेंस पॉइंट आएंगे। एक आएगा पी क्यू का कॉमा क्यू आर का, क्या आपको समझा मैंने क्या लिखा? जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे देख लो, जाओ क्वेश्चन नंबर 18 को देख लो। ये तीन इंडिफरेंस पॉइंट पी क्यू का अलग निकलेगा, क्यू आर का अलग निकलेगा और पी आर का अलग निकलेगा। दोस्तों आपके सामने है यहां पे तीन ऑप्शंस, बोलो क्या करना पड़ेगा तीनों का? मित्रों कॉन्सेंट्रेट, द मैनेजमेंट ऑफ जी लिमिटेड वॉन्ट्स टू रेज इट्स फंड्स फ्रॉम मार्केट टू मीट आउट द फाइनेंशियल डिमांड। दोस्तों इन डिफरेंस पॉइंट में इतना ही क्वेश्चन करेंगे, बाद के दो तीन क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, हमें एक क्वेश्चन करना है जिसका नाम है ब्रेक इवन पॉइंट। दोस्तों ब्रेक इवन पॉइंट ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे। क्या आप बता सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट किसको बोलते हैं? हम उतना ही ईबीआईटी कमाते हैं जहां पे हमारी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, उससे ज्यादा नहीं। तो क्या मैं लिख सकता हूं ईबीआईटी रेफर, और एक क्या बीईपी, बोलो क्या होगा बीईपी? इसके दो बच्चे बनेंगे, ओनली डेट, और यहां पे लिखेगा डेट एंड, डेट एंड प्रेफरेंस, सही है? तो इस केस में कितना होगा? ईबीआईटी इज इक्वल टू इंटरेस्ट, ईबीआईटी इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस, वन माइनस टैक्स या हंड्रेड माइनस टैक्स? इसी को एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल, इफ इंटरेस्ट इज 10 लाख, तो बताओ बच्चों कितना ईबीआईटी होना चाहिए? देन बीईपी ईबीआईटी इज इक्वल टू 10 लाख, यानी कि मतलब हमारा कितना होगा ईबीआईटी इज इक्वल टू 10 लाख, इंटरेस्ट कितना आएगा 10 लाख, और ये अर्निंग बिफोर टैक्स हो जाएगा जीरो,
और टैक्स भी आएगा फिर जीरो, ईएटी भी हो जाएगा जीरो। अभी क्लियरिटी है? और अगर मैं यहां पे लिख दूं इंटरेस्ट जो है वो 10 लाख है, टैक्स है 50% और आपका पीडी है 2 लाख, तो आप देखते हैं कैसे आएगा ये। सो बीईपी ईबीआईटी जो भी है पता नहीं कितने आएंगे। ईबीआईटी कितना लिखो मालूम नहीं, इंटरेस्ट कितना आएगा 10 लाख। यह आएगा ईबीटी, टैक्स आएगा 50%, यह आएगा ईएटी, माइनस करेंगे पीडी और ये बचेगा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। पीडी कितना है बच्चों? पीडी 2 लाख है, तो आपका दोस्तों आपने उतने ही पैसे कमाए जितने तेरे की डीपी आपका जीरो होगा, तो ये आ गया आपका 2 लाख। देख लो काम की बात कर रहा हूं मैं बहुत। और अब ये करने के लिए आपके पास में ये तो टैक्स का 2 लाख होना चाहिए, ये बन जाएगा 4 लाख। और ये 4 लाख होगा और ये इंटरेस्ट 10 लाख है, तो आपका ये 14 लाख होना चाहिए। हालांकि देखकर ऐसा लगता है कि फिक्स्ड फाइनेंस को 10 और 2 12 होना चाहिए, पर 10 और 2 12 नहीं है, क्योंकि ये 2 लाख रुपए देने के लिए आपको 4 लाख कमाना पड़ता है, क्योंकि 4 लाख कमाएंगे 2 लाख का टैक्स जाएगा और 2 लाख पीडी को बचेगा। तो इसलिए फॉर्मूला कैसे होता है, ऐसे होता है। इंटरेस्ट कितना लिखा आपने 10 लाख, ये फॉर्मूला में डाल के देख रहा हूं, प्लस पीडी कितना है 2 लाख। पीडी को जो देना होता आफ्टर टैक्स देते हैं, इसलिए जब पीडी के लिए हम लोग कितना कमाएंगे, जितना पीडी है डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स, यानी कि दोस्तों 100 कितना होगा, 100 माइनस टैक्स कितना है तो 50%, यानी कि हमने कितना कमाना चाहिए। तो आप एक तो फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो। बताओ बच्चों बीपी ईबीआईटी का मतलब क्या है? बीपी ईबीआईटी यानी कि आप उतना ही पैसा कमा रहे हो जितना आपका फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है। याद रखना जब भी पीडी आएगा वो डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स होगा, और अगर इंटरेस्ट है सिर्फ तो कुछ है नहीं, जितना इंटरेस्ट है वही ईबीआईटी है। और अगर इंटरेस्ट प्लस डेट होगा, सॉरी इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस पीडी भी होगा, उस केस में इंटरेस्ट भी आना चाहिए और पीडी को पीडी मत लिखना, पीडी डिवाइड करना पड़ेगा 100 माइनस टैक्स से, तो आपकी वो संख्या बढ़ के आएगी। और 30% होता तो 100 माइनस 30% यानी कि 70%, यानी कि जो आएगा पीडी अपॉन, जो पीडी आपका 2 लाख है तो 2 लाख अपॉन 70% हो जाएगा। क्या पढ़ा आपने? ये पढ़ा बीपी ईबीआईटी। आई थिंक अगर ये आपको ये समझा है तो ये क्वेश्चन तो आपको आसानी से समझने ही वाला है। बोलना चाह रहा हूं अभी क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसके अंदर तीन तीन चीजें दी है, एक बार ये सॉल्व मत करना, एक बार देख लेना कि होता कैसे है। दोस्तों ऐसे तीन तीन दिए हुए हैं। अभी क्या हुआ, ऐसा पुराने टीवी जैसा हुआ है? एक मिनट, अरे हो गया, चलो अमर सभी लोग एक बार देख ले, आप मुझे बता दो इन तीनों का इंडिफरेंस कैसे निकलेगा। आपके सामने स्क्रीन पे आंसर दिया हुआ है, क्या आप बता सकते हैं तीनों का इंडिफरेंस कैसे निकलेगा? वो तीनों का एक साथ नहीं हो सकता, जब भी होगा दो लोगों का ही साथ में होगा, जब भी होगा दो लोगों का ही साथ में होगा, तीन लोग साथ में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? तो नहीं आ सकते, दो ही होना चाहिए साथ में। एक तो पी और क्यू साथ में आएंगे और कुछ करके वहां से
वहां से जो निकलेगा आपका इंडिफरेंसीबिलिटी, फिर क्यू और आर होगा, वहां से निकलेगा इंडिफरेंसीबिलिटी और पी और आर का होगा। देखो तीन आ गया यहां पे, एक बार देख लीजिए ऐसा होगा। ये सॉल्यूशन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर तीन आए तो करना कैसे वो देखना है। तीनों के सामने इक्वल टू इक्वलिटी पकड़ के कुछ नहीं होगा। ए पी और क्यू का साथ में कर लेना तो आएगा आंसर, क्यू और साथ में करना आएगा आंसर, और पी आर करना साथ में आएगा, तीन इंटरफ्रेंस पॉइंट आएगा। दोस्तों ये इंडिफरेंस पॉइंट वाले क्वेश्चन बहुत हो गए और बीपी भी हो गया। अब मेरा एक सवाल है आपसे जो अजीब है, और वो कोई ऐसी कोई चीज जो आपको लगता है कुछ आप सॉल्व करना चाहिए। हाँ बस दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, एक तो इंडिफरेंस वाले क्वेश्चन है, एक तो बीपी वाले क्वेश्चन है, और दोनों भी हमने समझ के लिए, ये भी आपको याद है, ये भी इंडिफरेंस पॉइंट है, ये भी इंडिफरेंस पॉइंट है। आई थिंक डायरेक्टली हमें 24 पे ही जाना पड़ेगा अब, और ये क्वेश्चन हो जाएगा तो फिर हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर हो जाएगा। आपको यानी कि ये बात क्लैरिटी दे दूं मैं, एक बात, 1 से लेके 13 तक के सारे जो क्वेश्चन है ना वो वेरिएशन बहुत अलग अलग है। 14 के बाद में एक दो क्वेश्चन ईपीएस के ऊपर है, 4-5 क्वेश्चन इंडिफरेंस के ऊपर है, एक दो क्वेश्चन बीईपी के ऊपर है, और एक लास्ट क्वेश्चन है ये ईवी है, इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कितने लोग कर पाएंगे। आपका समय शुरू हो रहा है, कैन यू प्लीज सॉल्व दिस। लाइव स्ट्रीमिंग वालों बता दो इसका आंसर क्या है, ये ऑलरेडी सॉल्व किया था हमने। पचास करोड़, दे आर सेइंग द आंसर इज 50 crores। आपके लिए हो गया, व्हाट इज द आंसर गाइस? कंसीडर अ फर्म दैट हैज एग्जिस्टिंग असेट इन व्हिच इट हैज कैपिटल इन्वेस्टेड 100 crores। आपने 100 crore लगाए, द आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम ऑन असेट इज व्हाट, 15 crore, यानी कि आप लगाते कितने 100, आपको मिलते कितने 15। द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज अ 15% एक्सपेक्टेड टू बी सस्टेन इन परपेचुटी एंड द कंपनी हैज कॉस्ट ऑफ व्हाट कैपिटल 10%, यानी कि 100 crore। एक सुनो ना क्या होता है, आपने 100 crore धंधे में लगाए, पर सोचो आपने 100 crore बैंक से लिए होते तो या किसी से बोरो किए होते तो यू हैव पेड 10 crores, आपने कमाए कितने 15 crore, आपका नेट सेविंग कितना हो रहा है, यानी कि आपको 15 करोड़ आए हैं, 10 करोड़ खर्चा है, यू आर अर्निंग 5 crores, यानी कि 5 crore आपको परपेचुटी में कमाए। पर यही 5 crore अगर बैंक में रख के हमें कमाना होते तो दोस्तों बैंक तो इंटरेस्ट दे रही 10% का, तो बैंक बोलती है अगर तुम्हें 5 crore कमाना है तो एक काम करो, आप मेरे पास 50 crore रखो, मैं 10% के हिसाब से आपको 5 crore हर साल दूंगा, यानी कि 5 crore कमाने की वैल्यूएशन एक आम तरीके से बैंक में 50 crore होती है, इसलिए इसका भी नाम है 50 crore। ये इस कंपनी के इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन का मतलब है।
50 करोड़। हालांकि कंपनी कितना कमा रही थी 5 करोड़, पर 5 करोड़ कमा रही परपेचुअल में, और परपेचुअल को प्रेजेंट में लाने का एक ही सिंपल तरीका है, जो भी 5 करोड़ से अपॉन डिस्काउंट फैक्टर, तो 5/10% कितना आएगा 50 करोड़। और उसको कैसे समझते हम लोग, 50 करोड़ कमाने के लिए बैंक में कितना रखना, 5 करोड़ कमाने के लिए बैंक में कितना, तो बैंक में 50 करोड़ रखना पड़ेंगे। ये देख लीजिए, ये आंसर है उसका। इज इट क्लियर गाइस? सो दोस्तों, आपको मैं 4 जो बातें हैं वो यहां पे लिखवा रहा हूं, ध्यान से देखिए। आपने एक कॉन्सेप्ट लिखा जिसका नाम था, एक तो आपने बीईपी देख लिया बच्चों, आपने इंडिफरेंस देख लिया। क्या आप मुझे बता सकते हो ईपीएस कैसा निकालेंगे? थर्टीन रेफर वर्किंग नोट नंबर 13, बोलो क्या करूं मैं यहां पे? EVA रेफर क्वेश्चन नंबर कितना 24, बोलो क्या आएगा वहां पे? इन्वेस्टमेंट कितना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है 10%, तो हमारी कॉस्ट कितने हो गई, एक्सपेंसेस कितने हो गए 10 करोड़। हमारा जो क्या होते प्रॉफिट, क्या लिखा है प्रॉफिट आफ्टर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखा है ना, वो 15 करोड़। तो हमारा क्या है इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन एनुअली 5 करोड़, और परपेचुअल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअल ईवीए इज इक्वल टू बोलो 5 करोड़/10%, यानी कि हो जाएगा 50 करोड़। आप बताओ ये बिजनेस अगर आपको खरीदना तो आप कितने में लोगे? यू विल नॉट बाय दिस बिजनेस मोर देन 50 करोड़। अगर वो कहेगा 50 करोड़ से ज्यादा है तो हम लोग कहेंगे काम करें बैंक में रख देंगे, तुझे क्यों देंगे? दोस्तों एक बार देख लीजिए, इस चैप्टर में ईवीए कॉन्सेप्ट है, कितने लोगों को याद आ रहा है? याद आ रहा है क्या आपको? इंडिफरेंस पॉइंट याद आएगा, बोलो कैसे करेंगे? एक्सेस ले लेंगे माइनस 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 पीडी डिवाइडेड बाय, और फिर क्या करेंगे इक्वल टू डाल देंगे। अगर 3 वाले आए तो क्या करेंगे? दो दो करें, ओके फाइन। बीईपी इज इक्वल टू व्हाट? बीईपी ईबीआईटी इज इक्वल टू व्हाट? फिक्स द फाइनेंशियल कॉस्ट, यानी कि इंटरेस्ट एज इट इज आएगा, और पीडी कितना आएगा? पीडी डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स, बराबर है एवरीवन? मुझे और भी बोलना पड़ेगा दोस्तों, आप बताए, मैंने आपको ये भी पढ़ा है ये भी पढ़ा है दोस्तों, एक बार बता दो वो क्या है, ये भी हो गया। आपसे मेरा प्रश्न है, इस चैप्टर में अगर मैं देखता हूं तो आपने जो वैरायटी के क्वेश्चंस देखे थे वो कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में? कुछ इंडिफरेंस पॉइंट पे आते हैं। देखो पहली बात तो आपने ये चैप्टर का एक अलग चार्ट है, पर कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे हैं, एक है कैपिटल स्ट्रक्चर नंबर 1, एक तो आपको बीईपी के ऊपर आएंगे क्वेश्चंस, एक इंडिफरेंस पॉइंट पे आएंगे, ईवीए पे आएंगे। ईपीएस को निकालना तो बहुत ही आसान सा काम है, टोटल वैल्यू पे क्वेश्चंस आएंगे, एक एमएम अप्रोच पे आते क्वेश्चंस, आप वैक के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, और एक बार देख लीजिए। हाँ एक है के ही निकालते हैं, हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर लिया। क्या आप मुझे बता सकते हो टोटल वैल्यू कैसे निकालते हैं? डेट प्लस इक्विटी खत्म हो गया, आप बताओ तो डेट कैसे निकालते हैं? डेट तो गिवन रहता है, इक्विटी कैसे निकालते? पैट निकालो और आपको कैपिटलाइजेशन रेट दिया रहता है, उससे आपको टोटल वैल्यू निकल जाता, कभी कभी क्वेश्चन में भी दिया रहता। एमएम अप्रोच में दो बात होती है, एक तो टैक्स वाला, एक नॉन टैक्स वाला। टैक्स इज इक्वल टू व्हाट? लेवर्ड इज इक्वल टू अनलेवर्ड, और टैक्स है तो, टैक्स है तो लेवर्ड इज इक्वल टू अनलेवर्ड प्लस टैक्स। वैक कैसे निकालना? दो तरीके हैं, इसमें भी टैक्स नहीं रहा
तो आपका जो है वो EBIT अपॉन D प्लस ई होता, और अगर आपका टैक्स रहता है तो आप पूरा सोर्स डेट वैसा कर सकते हैं, सोर्स वेट वैक, या फिर आप वैसे भी कर सकते हो KD का वेट और KD, और बहुत आसान है, और हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ओवर। थैंक यू गाइस, वी डन विद द समरी ऑफ दिस चैप्टर एज वेल। मित्रों, दोस्तों, मित्रों, दोस्तों, हो गया फिर? ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए आपने, सिर्फ आप इतना ही क्वेश्चन वापस सॉल्व कर दो, इतना ही क्वेश्चन वापस सॉल्व करो, घड़ी लगा के 9 मिनट आपके पास, ये आए तो मैं समझ जाऊंगा आपका अच्छे से पढ़ाई हो गया, ये आपका नॉलेज टेस्ट करेगा, जिसमें आपको BEP निकालना है, आपको EPS भी निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, मैं जानता हूं आपने किया हुआ है, पेज नंबर 45। सॉल्व करते आएगा कोई? देखो एक बार होता क्या आपसे, टेस्ट करो नॉलेज आपका। हमने जो अपने बुक में क्वेश्चन रखे उसका लेवल बहुत ज्यादा होता है, ये ऐसे के क्वेश्चन आप कभी भी सॉल्व करेंगे आसानी से। हो जाएगा आपसे?
चार मिनट हो भी गए। सॉल्व करो भाई साहब। देखो आपको आ रहा है कि सॉल्व करते हुए इतने जल्दी कैसे होगा भाई। किसका परफॉर्मेंस है? परफॉर्मेंस देखिए आपका। क्या बोल रहा है? एक मिनट रुकिए जरा। क्या बोला? बोला ना सर हो गया इस कितने का हो गया? आ गया सब लोगों ने आंसर मैच किया? आंसर एक बार मैच कर लीजिएगा प्लीज। यही आंसर देख लीजिए एक बार। वो कह रहे हैं कि आपका ईपीएस 7 आ रहा है और 21.7 आ रहा है। कितने लोगों का सही आ गया? 720। ओ अमेजिंग। और ब्रेक इवन पॉइंट कितना है इसका? प्लान वन का 0 आ रहा है और प्लान टू का 9 लाख आ रहा है और इंडिफरेंस पॉइंट ईबीआईटी 12 लाख। यू फील कॉन्फिडेंट वेन यू सॉल इट? कोई शक सवाल? हाँ पांचवा के लिए। एक मिनट भाई साहब, ब्रेक क्या सब कुछ देंगे आपको? दोस्तों, मित्रों एंड दोस्तों, क्या आप 10 माह के लिए सॉल्व कर पाएंगे? एक बार इतना कर दो बस। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व इट फॉर 10 मार्क्स नवंबर 18। हाँ तो करो जल्दी से, अभी हुआ मतलब क्या, करो सॉल्व अभी। इसको टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि आपको सिर्फ ईपीएस निकालना है।
चार कॉलम बनेंगे। देखो ना, आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। देखते ये है परफॉर्मेंस की बात, दो तीन मिनट में खत्म कर डालो उसको। लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब देखता हूं कौन क्या कर रहा है। लाइव स्ट्रीमिंग वालों कम ऑन, देखते हैं इसके पहले वाला कितने लोगों ने सॉल्व किए। वो थोड़ा बहुत कर सकता हूं मैं। और एक बार कर लो। सबसे पहले शालू ने आंसर दिया है यहाँ पे 40, सबसे पहले उसका चैट आया 47.59.25, वही आंसर है 47.59.5। होशियार लड़की है वो। फेरा ने भी आंसर दे दिया, आरोशी ने आंसर दे दिया, सभी को। आई थिंक आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग हो गया। आप वही क्वेश्चन दे रहे, ठोक दे रहे। अब कितना आंसर है भाई, वही आंसर है 47.59.25। इशिता का आंसर सही है, अक्षत का भी आंसर सही है, कोपल गर्ग। ओ हाँ, आपका नाम बताइए, मैं बोलता हूँ। मैं बोल जाता अरे मैं, अरे यार कभी कभी कुछ। क्या लाइव स्ट्रीमिंग के लड़कियों के नाम याद है हमारे? नहीं, ऐसा कोई मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ हो जाता तो नाम स्ट्राइक हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। भीम है, भीम। आरुषि का नाम याद है मुझे। ओके शिट, ऐसा थोड़ी ना तुम्हें ऐसा करा, इसमें से बताओ कौन याद है। सबके नाम याद रखना इंसान के लिए मुश्किल है, पर आपके सभी का, अरे बाप रे, आपके सभी के लिए कितनी मोहब्बत मेरे दिल में है। नाम में क्या रखा है, दिल तो सबके पास होते हैं, दिल वाले कम होते हैं। तेरा यार।
ओके कितने लोग आंसर है 47 59 20। ओ एवरीबॉडी, क्या लगता है आपको इस चैप्टर के बारे में आप ठोक देंगे? आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट ऑन दिस चैप्टर गाइस? एवरीबॉडी आई सेड आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट ऑन दिस चैप्टर एवरीवन? सभी को बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ रहा है? आज दोस्तों हमारा रिवीजन का सत्र यहीं पे खत्म हुआ है। बाय बाय यूट्यूब, बाय बाय लाइव स्ट्रीमिंग, आई विल सी यू आफ्टर ब्रेक। आज के लिए ये जहां पे खत्म हुआ, कल ठीक शाम को 5 बजे जो लोग मुझे यहां पे देख रहे हैं त्रिशूल बैच में, आपको कल एक लेक्चर दिखाया जाएगा जिसका नाम है लेवरेज, और उसके बाद में एक लेक्चर होगा उसका नाम होगा डिविडेंड डिसीजंस। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग गाइस। ओके तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। आज के लिए आपका यह सत्र खत्म हो गया, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट। लाइव स्ट्रीमिंग ऑन है।